हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज क्लास में केमिस्ट्री आज में आ गोटे मॉक टेस्ट डिस्कशन करवा जोटा कि आपंकर एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करिया सो सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम पे आ चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को वहीं सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, एबे लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन टी आप रहा देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ N2H2। तो आपंकर N2H2 रे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पचार मैंने नाइट्रोजन रेत सल्फर रेत। देखो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बाहर के खोले तो आमको देखा पड़ो ओवरऑल N2H2 रे टोटल मॉलिक्युलर मास के अच्छी कंपाउंड र एवं N2 रो मॉलिक्युलर मास केते H2 रो मॉलिक्युलर मास केते। तो आपण जानचंती नाइट्रोजन रो सॉरी नाइट्रोजन रो 14 जेहेतु एठी N2 अछि 14 रे 2 गुण दबा माने नाइट्रोजन रो हेगला 28 क्लियर अछि। देन H2 एस सल्फर रो केते सल्फर रो आपण जानिथिबे समस्त प्राय तो सल्फर रो केते आपणकर मॉलिक्युलर मास बा एटॉमिक मास सल्फर एटॉमिक मास होची 32 32 ठीक अछि। सल्फर रो केते 32 जेहेतु H2 अच्छी 32 रे 2 गुण दबा 64 तो मैंने 64 होगा H2 रो आप मॉलिक्युलर मास। एबे आमको देछि N2H2 तो मैंने सल्फर होगा 64 आ नाइट्रोजन होगा 28 तो 8 4 2 दूर रखा 1 6 2 8 9 मैंने 92 होगा ओवरऑल कंपाउंड रो मॉलिक्युलर मास। एबे आमे नाइट्रोजन रो जदि बाहर करवा तो नाइट्रोजन रो होची 28 विभक्त कर टोटल 92 गुणन 100 तो एटा को सॉल्व कर देबा आपनकर आसीबो केते ना यहाँ जो सल्व करवा यहाँ आस 30.44% 30.44% देन सल्फर जदि आम सल्व करवा सल्फर होगा 64 विभक्त 92 गुणन 100 यहाँ हो 30.44 के 30.44 जोटा कि ऑप्शन नंबर आपंकर के अच्छे देखो गोटा होगा 69 सर ये 69.6 हम N2 जो आम कले सल्व कले 69.6 आस। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है 69.6 एवं 30.4 आसो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो यही टाइप आप इजिली करेंगे सल्व किसी भी इश्यू ना परसेंट ऑफ कंपोजिशन आप इम्पोर्टेंट रहा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मॉलिक्युलर फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इफ इट्स मॉलिक्युलर मास इज 180 ग्राम पर मोल तो एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए तो मॉलिक्युलर फॉर्मूला आमको बाहर कराई देखो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रो मॉलिक्युलर फॉर्मूला केमिति कढ़ा जाए तो आपणकर एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन गोटे सर्टन गोटे कॉमन नंबर जोटा कि आपणकर आड होगी थाए कंपाउंड रे गोटे सर्टन मानने कॉमन थाए सपोज आपणकर एटा एम्पिरिकल फॉर्मूला एन सपोज कॉमन तो आम जब खोली दबा एनटा मल्टीप्लाई हो CnH2NOn हला तो मैंने यहीटा हम आपर कौन ना ओवरऑल जो कंपाउंड हम तार मैंने फर्मूलाटा मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर टाइम टाइप रहा CnH2NOn है। एमर जो एम्पिरिकल फर्मूला अच्छे एमर जो एम्पिरिकल फर्मूला अच्छे तो एम्पिरिकल फर्मूलार आम यू जब मॉलिक्युलर मास देखा पाइपर ना नहीं तो मॉलिक्युलर मास के देखूँ तो एम्पिरिकल फर्मूलार जब मॉलिक्युलर मास देखिले तो आमको देना से जो कंपाउंड मॉलिक्युलर फर्मूलाटा फ्रुक्टोज र हाला आम एम्पिरिकल फर्मूलार मॉलिक्युलर मास देखिले एनटा मल्टीप्लाई अच्छे मन रखुद एनटा मल्टीप्लाई होगी अच्छी तो एन रहा सी कार्बन होगा 12 हाइड्रोजन होगा 2 ऑक्सीजन होगा 16 6 2 8 4 आप 6 4 10 शून रखा 2 1 3 1 4 ठीक अच्छे 6 4 10 शून रखा 1 1 2 1 3 ठीक अच्छे 3 30 तो मैंने एन सामान 30 है। तो ये जो एन सामान एन इंटु थर्टी मैंने यहीटा हूँ कौन मॉलिक्युलर मास ऑफ द कंपाउंड से कंपाउंड रो मॉलिक्युलर मास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंड रो मॉलिक्युलर मास दे 80 180 तेने एन आसीजी के 6 3 18 एन आसीज 6 तो मैंने आम पाई जो कंपाउंड जो आसो मॉलिक्युलर फॉर्म आसो CnH2NOn ये आसो तो है इजिली खाली पुट अप करदे C6H12O6 है को ऑप्शन अच्छे देखो C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे क्लियर तो इजिली आपन करि परिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंतु नेक्स्ट आपन को देछि देखंतु कौन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए बीकर इज 40°C। तो आपन देछि इट इज वैल्यू इन फारेनहाइट स्केल तो इंपोर्टेंट तो जदी डिग्री सेंटीग्रेड देछि जदी हमको केल्विन कन्वर्ट करियो कहि छि जदी हमको
केल्विन ने कन्वर्ट करिया कोई छी किछि नै हमें खाली जदि 273 को मल्टी सॉरी ऐड कर देबा सेंटीग्रेड को बट डिग्री सेल्सियस को हमें जदि केल्विन ने कन्वर्ट करिबा 273 ऐड कर देले हमर सेटा केल्विन ने हे जीवो किंतु एटी पचार छी फारेनहाइट रे ठीक अछि फारेनहाइट रे केता हो तो फारेनहाइट पै कोन करिबा न मु अपन को मध्ये कहि छी मन कि थ्योरी क्लास रे भी पढाई छी तो आपणकर फारेनहाइट को कन्वर्ट करिया घले आपण को फार्मूला टी मन रखियो पड़िबो C/5 कौन फॉर्मूलाटा C/5 समान एफ माइनस 32 विभक्त 9 हैला तो ये सी जगह सी रैल्यू जोटा 40 पुट अप करेंगे देखो ये कमी आंसरटा आसो C/5 इक्वल टू फारेनहाइट के जाने एफ माइनस 32/9 यहाँ देखो 5 काटे 5 8 40 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गले 9 8 72 समान एफ माइनस 32 एबे 72 रु जदि हम 32 फेडुचे 0 7 4 देखो सॉरी एटा फेडा अछि सबा मिसा हिजबो सबा गले मिसा हिजबो 72 रे जदि हम 32 मिसै देबा 72 32 2 2 4 7 3 10 त माने 104 हिजबो हमर करेक्ट आंसर जोडा कि ऑप्शन नंबर बी रे अछि 104 डिग्री फारेनहाइट क्लियर खाली फार्मूला जानले आपण इजीली करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो नेक्स्ट आपण को इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहला व्हिच स्पीशीज डू नॉट हैव SP3 hybridization. तो आप इतरु क्यों स्पेसिज रहा हाइब्रिडेशन SP3 हबो ना ही देखो तो अमोनिया तो अपन आखी बुझी कहीं भी करना मुंह अपन को इतने थरा अमोनिया पढ़े ही चीज जो अपन कहीं भी भूल करीबे ना ही स्ट्रक्चर पर चले पिरामिडल कारण ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ला पिरामिडल मिथेन तो अपन कहीं भी भूल करीबे ना आखी बुझी करीबे स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल मिथेन कौन SP3 वाटर भी SP3 वाटर भी कौन SP3 स्ट्रक्चर कौन हम बेंट बा भी सेप कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर कौन ए टाइप स्ट्रक्चर दैट मीन्स इट इज लिनियर स्ट्रक्चर बाय एसपी हाइब्रिडेशन है तो मैंने डीटा आपंकर SP3 हाइब्रिडेशन हेनी ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट क्लियर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा SP3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर तो SP3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चरटा कौन तो मन रखिए SP3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होची ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन नंबर डी देखो जदि जेनन कंपाउंड केस रे पचारे सेठी आपण स्ट्रक्चर भूलिबे नी तो XCF2 रो लिनियर स्ट्रक्चर जोटा SP3D XCF4 रो होची आपणकर स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर जार हाइब्रिडेशन होची SP3D2 XCF6 जेनन हेक्साप्लाइड रो होची आपणकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जार स्ट्रक्चर होची SP3D3 आपको भूलिबेनि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आ भितर क्यों स्टेटमेंट इज ट्रू अछि हला ट्रू अछि देखंतु द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम इन ए केमिकल चेंज गोटे केमिकल चेंज जेतले हेइ थाय बा केमिकल रिएक्शन हेइ थाय मास ता आपनर समान रहै ठीक अछि मास आपनर समान रहै नेक्स्ट दै छी केमिकल चेंज इन फॉर्म इज एटा इज नो केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल तो केमिकल चेंज जदि हला तो सेटा परमानेंट चेंज आउ एटा इरिवर्सिबल इन नेचर नेक्स्ट दैजी ए फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल एटा ठीक फिजिकल चेंजटा इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल थ्योरी क्लास रे हम पढिचे तो आपण थ्योरी क्लास एटा कोठी देखिबे ना जोटा हमें डिस्कशन करचु टाइप्स ऑफ रिएक्शन सेट तो आर करेक्ट आंसर हेजबो ऑल ऑफ द अबव ऑल अछि मन तो ऑल कर देबे नेक्स्ट है एसिडिक एसिड इज अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इट्स कंसंट्रेशन इज 0.20 mg एंड इट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपणकर दे दैछि 0.001 mg देन के वैल्यू कैलकुलेट करय कहै देखो तो आपण तो सबुर वैल्यू दे दैछि ना आपण को किछ कैलकुलेट करय नै खाली के र फार्मूला कोन हिजबो जदि हमें CH3COH को भांगीबा CH3CO माइनस ओटे दबो H प्लस आयन ओटे दबो हला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो दे दैछि ना तो आपण देखंतु के जदि हमें बाहर करबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन फर्स्ट हिजबो H प्लस आयन कंसंट्रेशन देन CH3COH जोटा होता तो मैंने CH3COH- कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COH क्लियर तो ये एच प्लस जगह पकेबा 0.001 mg है देखो ये जो एच प्लस कंसंट्रेशन देना तो ये आपणकर जो COH इन इक्विलिब्रियम केस रे तो आप देखु जो आपणकर जनरल गोटा थिला जनरल रिएक्शन जितने आम करूँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये जदि सी होल इंटू वन माइनस आल्फा है
ये कनसेंट्रेसन टा सी एल सी आलफा और सी आलफा है तो मैंने से ही टाइप रि एच प्लस एन कनसेंट्रेसन एति है तो तार ओएच माइनस जो सी एच थ्री सीओ माइनस कनसेंट्रेसन अच्छी सेम रहा आप जीरो पॉइंट डबल जीरो वन नाइन इंटु जीरो पॉइंट डबल जीरो वन नाइन रिभक्त देर सी एच थ्री सीओएच रही जीरो पॉइंट टू जीरो यटा को सल्व करदे आपसन ए आस ठीक अच्छे खाली सल्व करदे आपसन आस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु एम एन थ्री ओ सरी एम एन ओ टू प्लस फोर एस सी एल गिवस राइज टू एम एन सी एल टू टू एच टू ओ सी एल टू आईडेन्टीफाए दि सबस्टाट अक्सीडाइज इन द एभव रिएक्शन आ भितर क्यों सबस्टाटी अक्सीडाइज ये देखो ये क्वेश्चन टाइम भलसे बुझे ये भेरी भेरी इंपोर्टां क्वेश्चन तो अक्सीडाइज केमी आम जाना जे किए अक्सीडाइज हो किए रिड्यूस होगी गोटे कनसेप्ट कौच ध्यान दे कि मन दे शुणु देखो जदि आपणकर जिते बड़े कौन है ना अक्सीडेसन स्टेट्र अक्सीडेसन स्टेट्र डिक्रिज है अक्सीडेसन स्टेट्र डिक्रिज है से आम कौन कही था रिडक्शन बोली कही था तो मैंने डिक्रिज इन अक्सीडेसन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन है एंड जोटा आपणकर जिते इलेक्ट्रोन गेन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिते गेन होता है किए गेन करता है ना आपणकर आटम आयन कि मॉलिक्यूल तो जिते इलेक्ट्रॉन गेन करे से कौन होता है ना से ऑक्सीडेशन स्टेट रे परिवर्तन होता है से परिवर्तन टा कौन ना कमी थाए तो से जो कमी थाए दैट मीनस आम कही था रिड्यूस्ड है तो मैंने आप रिड्यूस्ड मैंने बुझे जे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है रिड्यूस है एवं ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडाइज पचार ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कौन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बा आम कही पार इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट जब इनक्रीज है देन आम कह ऑक्सीडाइज है तो देखा ये ऑक्सीडाइज पचार मैंने आम देखा क्यों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट्र कौन हो ना इनक्रीज हो देखो जदि आम एम एन ओ टू कथ कह देखो एम एन रे मांगानीज देखा ये प्लस फोर आसो कैलकुलेट कले ये एम एन सी एल टू रहा हूँ माइनस टू यहाँ के माइनस टू आस सरी यहाँ प्लस फोर आएगा ये प्लस टू आस माइनस टू न प्लस टू आस एम एन ये प्लस फोर बेले ये हूँ प्लस टू तो मैंने डिक्रिज है ना नहीं डिक्रिज है मैंने रिड्यूस्ड है तेने आमको देखिए ऑक्सीडाइज हवा दरकार ये एस सी एल कथ देखते एस सी एल तो माइनस वन एच रिच मैंने सी एल माइनस वन ना नहीं आम जब क्लोरीन देखा के माइनस वन ये जब क्लोरीन देखा एलिमेंटरी स्टेट अच्छी जीरो तो मैंने माइनस वन ये जीरो है तो मैंने कौन बढ़ला ना नहीं इनक्रीज है ना नहीं तो मैंने आम जानी इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन है तो मैंने ऑप्शन नंबर बी है एससीएल टा एटी ऑक्सीडाइज है ऑप्शन नंबर बी क्लियर है तो आप मन रखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप रेक्स्ट देखिए पीबी युक्त सी यू सी एल टू गिव्स राइज टू पीबी सी एल टू युक्त सी यू तो पचार एभव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ तो यही रिएक्शन टी आपर कहार गोटे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन थ्योरी क्लास देखी ना काइंडली आपण यूट्यूब जाए सर्च करूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फुल कवरेज बाय नॉलेज इट फील्ड आप खाली ये देखी दिंतु तो आप डिटेल सब रिएक्शन पर थर हो देखु ये कौन है ना ये सी यू सी एल टू कॉपरटा थिला क्लोरीन सहित लगिकी सिंपली आपणकर लेडटा कॉपर को हटे कि जगह नहीं जाइए ता मैंने आम कहींपर लेड कौन कला ना डिस्प्लेस कला क्या पोजिशन को ना कॉपर पोजिशन को दैट मीनस लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जेहेतु गोटे डिस्प्लेसमेंट है तेणु सिंगल डिस्प्लेसमेंट बा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जदि दुटा आपर डिस्प्लेस होता देन डबल डिस्प्लेसमेंट होता तार करेक्ट आंसर टी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी रे अच्छे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिटवीन एच एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई ह्विच हाज ग्रेटर आयनिंग कैरेक्टर हालोजन फैमिली गोटे जहाँ भी क्वेश्चन आपंकर टाइप देखा मिले अर्डर पर इलेक्ट्रोन अफिनिटी हो इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी हो आयनेसन एनर्जी अर्डर हो जेकोसी हूँ कि एसीडिक अर्डर होगा जेकोसी गोटे कनसेप्ट आपंकर हालोजन फैमिली देखा मिले निहाती भाव तो ये पचार आयनिक क्यारेक्टर रर्डरटा कौन हम देखो आयनिक क्यारेक्टर केमी अधिका हे जार चार्ज सेपरेसन जिते अधिका हे आयनिक क्यारेक्टर से हम चार्ज सेपरेसन अधिका के जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेन्स अधिका हे तो एच एफ
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना नहीं, तो मैंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन भितर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेन्सटा आसो सेटा बहुत अधिक आसो इन कंपेरिजन टू HCl HBr आउ HI, कारण इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आउ आयोडिन एमान होचंती लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक अच्छे, से हाइड्रोजन और फ्लोरीन भितर जो बंडटा थी से मोर पोलार एवं आयनिक क्यारेक्टर ये अधिका, तो मैंने करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर ए, किसी भी असुविधा ना। नेक्स्ट देखिए द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबेल गैस बा इनर्ट गैस इज, तो 18 ग्रुप 18 एलिमेंट मानकर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माने कौन ना, तो आपणकर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माने होची गोटे इलेक्ट्रॉन को गेन करियार क्षमता, इलेक्ट्रॉन को गेन करियार क्षमता। ता माने जदि आमे नोबेल गैस एलिमेंट कथा कहिबा से माने स्टेबल ना नै, स्टेबल केमिति ना, सेबेनकर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन से मानकर कोनोसी भी वैकेंट नै, कौन से भी इलेक्ट्रॉन को आक्सेप्ट करिवार, जदि से माने स्टेबल ता माने से किछि इलेक्ट्रॉन आक्सेप्ट करिवे कि आक्सेप्ट करिवे नाही, ता माने से मानकर जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कौन जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किने किछि भी इलेक्ट्रॉन आक्सेप्ट करिवे नाही जेतु से माने स्टेबल हाय ताकर कौन नीड अछि इलेक्ट्रॉन आक्सेप्ट करियार, आक्सेप्ट करिवे नाही। ठीक अछि, नेक्स्ट ता माने से मानकर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो बा जीरो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, सोडियम, सोडियम रो जदि हमें लिखिबा 11 1s2 2s2 2p6 3s1 एडा हे गला सोडियम रो आपनकर कोन इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन, तार हमें जदि तार बैलेंस इलेक्ट्रॉन नो क्वांटम नंबर लिखिबा 3s माने n समान 3, s ऑर्बिटल समान l होची 0, l जदि 0 m समान 0, ताने s तो आपन जान छथि आइदर प्लस ऑफ नल माइनस ऑफ, तो देखिबा 300 हाफ कौटे अच्छे 300 हाफ देखु 300 हाफ ऑप्शन नंबर डी अच्छे, ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर, कारण आप इजिली करें। ठीक अच्छे, इजिली आपर किसी भी इश्यू ना, तो आपको देखा सोडियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन आमको क्वांटम नंबर सेट लिखार अच्छे है इजिली करें। तो नेक्स्ट द फास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इज प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिटल, तो आपणकर प्रत्येक देखो आम जिते बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखुचे सब वन एस टू स्टार्ट करना, तो फास्ट आम लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिलअप करे, फास्ट लोअर एनर्जी लेवल को आम इलेक्ट्रॉन दौचे देन हायर एनर्जी लेवल को, तो मैंने करेक्ट आंसर दे जीव अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल फास्ट आम लोएस्ट को फिलअप करूँ सब लोएस्ट हूँ वन एस। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आसतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज रॉन्ग, तो आ भितर क्यों मॉलिक्यूल एवं तार ज्योमेट्रीटा रॉन्ग अछि बोली आपन को पचार जी, देखंतु NF3 एपनकर जदि देखिबा NF3 रो ट्राइगोनल प्लानेट दै छी, एने ट्राइगोनल प्लानेट माने स्ट्रक्चरटा कोन ए टाइप रहबो, किंतु देखंतु नाइट्रोजन रो पर तो गोटा लोन पेयर रहला ना, ता स्ट्रक्चरटा एमती आपन रहि जीवो, तो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर हेबनी जमी आमोनिया रहला पिरामिडल, तो यहाँ पिरामिडल हम है, तो आप NF3 ट्राइगोनल प्लानर हेनी, H2 तो बेंट ठीक अच्छे, BF3 ट्राइगोनल प्लानर हम, ASF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम, कि NF3 ट्राइगोनल प्लानर हेनी कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन आटम यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बेंजीन, बेंजीन रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी देखो, तो बेंजीन रिगार्डिंग जदि हमें कहबा बी ऑप्शन टा करेक्ट अच्छे, तार जो पाई इलेक्ट्रॉन टा रही थाए से पाई इलेक्ट्रॉन टा डीलोकलाइज्ड हला, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग रे पाई इलेक्ट्रॉन टा कोन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हे जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड हला माने तो सी आपनकर साइक्लिक हबो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, मन रखिए हकल्स रूल कही गोटे कंपाउंड एरोमेटिक के हबो ना, जदि से साइक्लिक हला जदि से प्लानर हला जदि से 4n+2 पाए इलेक्ट्रॉन कंटेन कला जानिबे जे सी आपनकर कोन एरोमेटिक कंपाउंड, तार करेक्ट आंसर टी हे जीव ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आसंतु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज रिटर्न एज, तो नाइट्रोजन आपणकर लिखा जा तार गोटे कौन ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपणकर लिखा जा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ठीक अच्छे, तो आपको पचार बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करेंगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर पर मुझे स्पेशल गोटे क्लास नहीं थी,
तो आप चाहिए यूट्यूब सर्च करके देखिपारे। तो बॉन्ड ऑर्डर जदि आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल एवं नंबर ऑफ आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देती तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करार फॉर्मूला हूँ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विभक्त कर दुई। एटी जदि बॉन्डिंग देखा जो स्टार अच्छे सेगुड़ा हूँ एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार को छाड़द तमें स्टार हूँ गोटे तम नॉन बॉन्डिंग हूँ दुईटा है तम मैंने दुई दुई चार दुई छः दुई आठ तम मैंने आठटा हो गला। एबे बॉन्ड ऑर्डर आमर कैलकुलेट कर फॉर्मूला जानते एबे नॉन बॉन्डिंग के दुईटा बॉन्डिंग है बॉन्डिंग है आठटा तो एट माइनस टू विभक्त कर टू आठ रु दुई गले छक्त दुई जे तीन तेनाली को ऑप्शन अच्छे देखते तीन तो ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी। तो आप केवल मन रखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग विभक्त कर दुई। जदि आपको यह भाया दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केमी लेखिकी काढ़े से नहीं वीडियो ऑलरेडी अपलोड अच्छी जाइ देखी नि ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए रोस्टिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ द फॉलोइंग, तो रोस्टिंग आप जनरली मन रखिए सल्फाइड ओर क्षेत्र में रही है ऑप्शन सी रे अच्छे है। आईयूपीएससी नेम पचार देखो आईयूपीएससी नेम आम फास्ट देखिए लॉन्ग चेन एक दुई तीन चार पाँचटा ये अच्छी ब्रांच रे देखिले एक दुई तीन चार पाँच छाने जदि ब्रांच रे अधिका अच्छी जो अधिका थी से लॉन्ग चेन नवा नंबरिंग करवा से जो आपर डबल बॉन्ड नियर अच्छी डबल बॉन्ड एपारू अच्छी एक दुई तीन चार पाँच छः ओके यहाँ सब्सटिट्यूएंट तमें तीन नंबर पोजिशन गोटे सब्सटिट्यूएंट अच्छी जोटा ना हो इथाइल थ्री इथाइल देन आप छा मान हेक्स हेक्स दुई नंबर आपंकर गोटे इएन अच्छी तमें थ्री इथाइल हेक्स टू इएन जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी थ्री इथाइल टू हेक्जिन ऑप्शन नंबर ए क्लियर। तो आप इजिली करेंगे। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द डेलेच है चेंज इन एनर्जी बा चेंज इन एंथाल्पी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन एसीएल एनएच थ्री गिव्स राइज टू एनएच फोर सीएल। जदि आपणकर डेलेच वैल्यू ऑफ एसीएल जदि एतिक देला एनएच टू एन नु एनएच थ्री जदि एतिक है एनएच फोर सीएल के देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइम केमी सॉल्व करवा ना सिंपल ये इक्वेशन आम खाली वैल्यू पुटअप करार अच्छे केमी ना एसीएल जगह जी वैल्यू देखा पुटअप करवा तो डेल आपंकर एच जदि आमको सेमी दे था तार वैल्यू कैलकुलेट कर फर्मूला अलग होता कि जेहेतु ये आमको ये इक्वेशन कैलकुलेट कर समस्त वैल्यू दे तो ये टी अलग टाइप रे फंडा लगे। तो आप डेल एच वैल्यू ऑफ एसीएल हो माइनस नाइंटी टू पॉइंट थ्री जीरो देन आपणकर प्लस था कि जेहेतु ये माइनस अच्छी तो माइनस कले टू नाइन गिप्स राइज टू आपणकर माइनस 314.4 है। तो यहाँ जदि आम मिसेबा आपड़ा होता के ना यहाँ हो माइनस 173.22 तो यहाँ हो 114.4 है सरी 314.4 यहाँ माइनस अच्छी सेपा गले आपर प्लस हो तो आपंकर देखु सरी यहाँ आपण अच्छी ना आप सिंपल करेंगे यहाँ आपर जो अच्छी 314 रु एबे एटा को माइनस कर करदे खाली है माइनस 314 अच्छी तो यहाँ को खाली आप माइनस कर करदे यहाँ सेपा गले प्लस हो तो माइनस कर करदे तो मैंने माइनस 314 रु माइनस जो करदे 173.2 तो आप जी आंसर पाखापाखि 141.8 आसो है खाली आप इक्वेशन वैल्यूटा पुटअप करेंगे। नेक्स्ट देखे वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन प्रोटॉन मास आपन को दे देला 1.6 × 10⁻²⁷ केजी एट दी वेलोसिटी ऑफ 1.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इनवर्स देन आपन को पचार छु वेवलेंथ तो वेवलेंथ इक्वल टू एच बाय एम भी क्लियर समस्त जानते तो आप एम के ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻²⁷ पुटअप करेंगे वेलोसिटी दे देछि 1.0 × 10⁻³ खाली आप लामड़ा बाहर करेंगे तो नानोमीटर देती एक जोटा आपंकर नानोमीटर प्रकाश करवा जानते कि आपंकर असुविधा हेनी तो यहाँ आप कमेंट करते आंसर आर्मूला हूँ लामड़ा इज इक्वल टू एच बाय एम बी एच रैल्यू 6.625 × 10⁻³⁷ केजी सरी 10⁻³⁴ है 34 कैलकुलेट कर देखिए कैसे आंसर क्लीयर। तो पीडीएफ्टा पाइज आम टेलीग्राम जहाँ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांग वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को कहीं सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।